कल कौन से वर्ड की बात करी थी? कौन से? एच। और एच के बाद आने वाला वर्ड है आई। कहा के समझना, आई ये कहता है कि जीवन को इनक्रेडिबल बनाओ, अतुलनीय। तुम्हारा जीवन ऐसा हो जो अतुलनीय हो, इनक्रेडिबल हो। आई हमें यह सिखाता है कि जीवन को इनक्रेडिबल बनाओ, तुम्हारा जीवन इतना अद्भुत हो कि कोई तुलना ना कर सके, तुम्हारा जीवन इतना बेहतर हो कि कोई बराबरी ना कर सके, तुम्हारा जीवन इतना उत्कृष्ट हो कि जीवन एक अद्भुत छोर पर पहुंच जाए कि जीवन में कोई आपकी बराबरी ना कर सके, इतना अद्भुत जीवन बनाना है, इनक्रेडिबल। और जीवन को यदि इनक्रेडिबल बनाना है तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं निश्चित तौर पर तीन आई को हमारे जीवन से डिलीट करना पड़ेगा। जीवन अद्भुत बनाना है, अद्भुत है ये शास्त्रकार भगवंतों ने कहा है, ये हमारी ग्रंथ कहते हैं, ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारे परमात्मा महावीर कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि अद्भुत है, लेकिन तुझे प्राप्त करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए पीछे उसके पीछे लगना पड़ेगा, तब जाके जीवन इनक्रेडिबल बनेगा। इसलिए कहा कि जीवन को अद्भुत अतुलनीय बनाना है, कोई तुलना ना कर सके। संसार में आप जितने भी काम करोगे उसकी तुलना करने वाले लोग मिल जाएंगे। और मैं तो कहता हूं, बराबर समझना, धर्म के क्षेत्र में कंपटीशन बहुत कम है, संसार के क्षेत्र में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप 10 सामायिक करोगे दिन में तो आपको दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा 10 सामायिक करने वाला, बहुत कम मिलेंगे। धर्म के क्षेत्र में कंपटीशन करने वाले बहुत कम हैं और संसार के क्षेत्र में कंपटीशन करने वाले बहुत ज्यादा है। तुलना हो जाएगी तुरंत, क्या आपका घर 1 करोड़ का है, बाजू वाले का 1.5 करोड़ का है, हो गया खत्म। आपके पास 20 लाख की गाड़ी है, बाजू वाले के पास 40 लाख की गाड़ी है, बात खत्म हो गई। संसार के क्षेत्र में आप जितना भी करोगे, चाहे टोच पे पहुंच जाओ, चाहे बड़े स्थान पे पहुंच जाओ, चाहे कितना कुछ हासिल कर लो, लेकिन संसार के क्षेत्र में जितना भी हासिल करोगे कहीं ना कहीं तुरंत तुलना हो जाएगी। आप फर्नीचर घर में अच्छे से अच्छा लाए हो, लेकिन देखने के बाद कोई आदमी बाहर निकल के तुलना कर ही लेगा, कह रहे इसके वहां तो इससे भी अच्छा है। आपने बड़ी शिद्दत से घर बनाया हो, बड़ा पुरुषार्थ किया हो, बड़ा समय लगाया हो, बड़ी शक्ति लगाई हो, वो घर बनाने के पीछे आपका पूरा सामर्थ्य लगा दिया हो, लेकिन फिर भी बाहर निकल के कोई आदमी तुलना कर लेगा, अरे हमने वो घर देखा था, वो तो इससे भी बेहतर था। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझना, संसार में प्राप्ति के बाद भी प्राप्ति का आनंद क्यों नहीं होता, क्योंकि संसार में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपने किया नहीं कि सामने दूसरा कोई खड़ा ही है जो आपसे बड़ा है, चाहे संपत्ति की बात हो, चाहे घर की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे कार की बात हो, चाहे आपके पास रही हुई कोई भी सामग्री की बात हो, आपने कुछ किया नहीं कि सामने आपसे बड़ा एक न एक खड़ा हो जाएगा। लेकिन धर्म के क्षेत्र में कंपटीशन करने वाले बहुत कम है, समझना। आप मासिक श्रवण चालू करो, कितने लोग कंपटीशन करेंगे, हैं? कितने करेंगे? कोई नहीं। आप ये तय करोगे मुझे रोज तप करना है, रोज त्याग करना है, रोज कुछ छोड़ देना है, रोज 3 घंटे परमात्मा के जिनाले में लगाना है, कोई नहीं मिलेगा कंपटीशन वाला। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि धर्म का क्षेत्र हमारे लिए श्रेष्ठ है, यहां नुकसान कम है, फायदा बहुत ज्यादा है। छोड़ना क्या है? बहुत थोड़ा छोड़ना है, लेकिन पाना क्या है? बहुत बड़ा पाना है। और संसार के क्षेत्र में पाना बहुत कम है, छोड़ना बहुत ज्यादा है। बराबर समझ, धर्म के क्षेत्र में छोड़ना बहुत कम है, तुमको थोड़ा संसार छोड़ना पड़े, तुमको थोड़ा मोह छोड़ना पड़े, तुमको थोड़ा राग द्वेष छोड़ना पड़े, और क्या छोड़ना है? थोड़ा खुद का ईगो छोड़ना पड़े, थोड़ा अभिमान छोड़ना पड़े, और छोड़ना क्या है? और कुछ नहीं छोड़ना। धर्म के क्षेत्र में छोड़ना बहुत कम है, पाना बहुत विशाल है, बहुत विराट है, बहुत बड़ा है। लेकिन संसार के क्षेत्र में छोड़ना बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, परमात्मा को छोड़ना पड़ेगा, धर्म को छोड़ना पड़ेगा, गुरु को छोड़ना पड़ेगा, खुद के शरीर को छोड़ना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके संसार में कुछ आप पाओगे। और इसीलिए कहा गया कि संसार के क्षेत्र में छोड़ना बहुत कुछ है और पाना बहुत कम है।
बुद्धिशाली व्यक्ति तय करेंगे मुझे संसार के क्षेत्र में जाना है या धर्म के क्षेत्र में जाना है। बुद्धिमान वह है जो सोच के निर्णय ले, सोच के डिसीजन ले कि मुझे कौन से मार्ग के ऊपर जाना है, कौन से रास्ते के ऊपर जाना है। ऋषि शास्त्रकार भोगन ने कहा समझ लेना कौन सी दिशा तुझे पसंद करनी तू तय कर लेना। इनक्रेडिबल, अतुलनीय। धर्म में तुलना बहुत कम होती है, संसार में तुलना बहुत ज्यादा होती है। संसार में आप कितना भी उत्कृष्ट पालो लेकिन कहीं ना कहीं आप मिडल में ही रहोगे, श्रेष्ठ नहीं बन सकते, और धर्म में श्रेष्ठ बनने का आपके पास अवसर है। बराबर समझना, संसार में आप कितना भी उत्कृष्ट पालो लेकिन फिर भी आप मिडल में ही रहोगे, बीच में ही रहोगे। आपसे बड़ा भी कोई होगा, आपसे छोटा भी कोई होगा, लेकिन धर्म का क्षेत्र आपको श्रेष्ठ बनने का अवसर देता है। धर्म यह कहता है कि तू ये अवस्था प्राप्त कर सकता है कि जहां तेरे से बड़ा कोई ना हो। तू वो अरिहंत अवस्था प्राप्त कर सकता है, तू वो सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है, तू एक श्रावक की अवस्था प्राप्त कर सकता है, तू एक साधु की अवस्था प्राप्त कर सकता है जहां तेरे से बड़ा कोई ना हो। संसार में श्रेष्ठ बनना नामुमकिन है, धर्म में श्रेष्ठ बनना बड़ा सरल। ऋषि ने कहा कि जब भी चुनने का अवसर आए तो धर्म का मार्ग चुनो। इनक्रेडिबल लाइफ। तीन आई को हमारे जीवन से डिलीट करना पड़ेगा, तीन आई को हमारे जीवन से निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा जीवन इनक्रेडिबल बन सकता है। कहा नंबर वन, फर्स्ट आई कौन सा निकालना पड़ेगा। कहा कि तुम्हारे जीवन में से पहला आई, इंसल्ट नाम का जो आई है उसको डिलीट कर दो। हमारी जो आदत पड़ी हुई है बार बार किसी का अपमान करने की, किसी की अवमानना करने की, किसी की अवगणना करने की हमारी जो आदत पड़ी हुई है उसको सुधारना पड़ेगा। आदमी के पास थोड़ा सा क्या आ जाए, आदमी हर एक आदमी का अपमान करने के लिए उत्सुक रहता है, और खासकर जो उससे नीचे हो, जो उसके हाथ के नीचे हो, जो उसके वहां काम करने वाले हो, जो उसके वहां नौकरी करने वाले हो, एज में उससे छोटे हो, सभी का अपमान करने के लिए वो तैयार हो जाता है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि समझ लेना इनक्रेडिबल लाइफ बनानी है तो निश्चित तौर पर जीवन में से पहला आई निकालना पड़ेगा। कौन सा? इंसल्ट। इंसल्ट नहीं, किसी का भी अपमान नहीं, किसी की भी अवगणना नहीं, किसी भी की अवमानना नहीं, अवगणना नहीं, अपमान नहीं। हम किसी का अपमान क्यों, और कहा क्यों नहीं करना समझना। आज तेरे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, ताकत है, संपत्ति है, तू किसी का अपमान करेगा, कल समय पलट सकता है, कल समय बदल सकता है, कल समय की धारा उल्टी बह सकती है। आज जो तेरे लिए सीधी बातें हो रही है वो कल तेरे लिए उल्टी बन सकती है, और उस समय वो आदमी तेरा भी अपमान करेगा। उस समय तुझे जो फील होगा, उस समय तुझे जो दुख होगा, उस समय तुझे जो ग्लानी होगी, उस समय तेरे मन में जो भाव होगे वो भाव बड़े कठिन होगे, बड़े कष्टदायी होगे। इसलिए कहा कि समय किसी का एक सरीखा नहीं चलता। बराबर समझना, समय के भरोसे मत रहना। जीवन में आता है, सबका समय आता है, चाहे छोटे से छोटा आदमी हो, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, समय सबका आता है। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं समय रहता नहीं, आता सबका है। जितने भी लोग ये संसार में, सभी का एक ना एक दिन समय आता है, सभी का सिक्का चलता है, सभी का नाम चलता है, सभी जो करे वो पॉजिटिव हो जाता है, जहां हाथ डाले वहां से सोना निकलता है, ऐसा समय सबका आता है, लेकिन वो समय लंबा रहता नहीं है। इसलिए कहा कि जब समय अच्छा हो तब समझ लेना। इस संसार में आदमी को गलत फहमी हो जाती है कि मैं बलवान हूं, समझ रहा। ये संसार में आदमी एक गलत फहमी कर लेता है कि मैं बलवान हूं, लेकिन शास्त्रकार भगवंत ये कहते हैं कि तू बलवान नहीं है, समय बलवान है। तेरा समय सही चल रहा होता है तब जो भी करता है सब सही हो जाता है। तेरा समय सही चल रहा होता है तब तू जो भी करता है वो सही हो जाता है, और जब समय विपरीत चलता है तो सही भी करने से वो विपरीत हो। ये गलत फहमी में मत रहना कि मैं बलवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ताकतवर हूं, मेरे पास ये, इसलिए मुझे संसार की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शास्त्रकार भगवंत कहते कि समझ लेना आदमी बलवान कभी नहीं होता, समय बलवान होता है।
और जब आपका श्रेष्ठ समय चल रहा हो तब ऐसा कोई किसी का अपमान मत करना का आपका गलत समय आवे तो आपको वही भुगतना पड़े, आपको पछताना पड़े, ऐसा एक भी काम जीवन में नहीं करना। आज आपका दिन अच्छा है लेकिन कल भी आपका अच्छा होगा उसकी कोई गारंटी धर्म नहीं देता। आज अच्छा है तुम्हारा, आज लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, लोग तुम्हारी बात के ऊपर गौर करते हैं, लोग तुम्हारी बात को ध्यान से सुनते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कल भी सुनेंगे। इसीलिए कहा कि हमेशा तैयार रहिए, हमेशा जागृत रहे कि जीवन में समय कभी भी बदल सकता है और हमेशा जीवन में गलत फहमी में कभी मत रहना कि मेरा मेरी ताकत है, मैं बलवान हूं। हमेशा यह ध्यान रखना कि समय बलवान है। इसीलिए कहा कि 3 I को जीवन से निकालना पड़ेगा। नंबर वन इंसल्ट, कहा कि इंसल्ट नहीं, कहा नंबर टू दूसरे नंबर में समझ लेना। पहले नंबर में सिखाया कि किसी का इंसल्ट नहीं और शास्त्रकार भगवंत कहते हैं दूसरा आई, थोड़ा सा वर्ड में फर्क है और कुछ नहीं। पहला आई जीवन से निकालना है वो है इंसल्ट और दूसरा आई जीवन से निकालना है वो है इंस्टेंट, तुरंत चाहिए। आज संसार में आपको जो भी चाहिए कैसे चाहिए, कैसे चाहिए बोलो तो सही, कैसे चाहिए इंस्टेंट। एक माला गिनी और आपको रिजल्ट चाहिए, आज एक माला गिनी और आज हमको फल की प्राप्ति होनी चाहिए, आज ये करे इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो कि मुझे इंस्टेंट मिल जाए, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि यदि धर्म में इंस्टेंट मिलने लगेगा ना तो पाप में भी इंस्टेंट मिलेगा और तब तेरी परेशानी खड़ी होगी। क्योंकि धर्म तो बहुत कम होता है, दिन में 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, 3 घंटा होता है, 4 घंटा होता है, लेकिन बाकी 20 घंटे पाप ही तो होता है। का इंस्टेंट की आशा मत रख, धर्म कहता है इंस्टेंट नहीं पेशेंस, यहां तो धीरज चाहिए। धीरज से मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, आसानी से मिलेगा, आराम से मिलेगा, तुरंत कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि जीवन में समझ लेना हमारे यहां लिखा गया है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा स्लो एंड स्टेडी जाना पड़ता। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो समझ लेना सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा स्लो एंड स्टेडी जाना पड़ता है। और जीवन में वही आदमी सफल हो पाता है जो स्लो एंड स्टेडी चलता है। जो शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं गिरते हैं। आपने बचपन में सांप सीढ़ी की खेल देखा होगा, कितना भी कोशिश कर ले लेकिन 99 नंबर से भी वापस 1 नंबर पे आया जा सकता है। समझना कोई शॉर्टकट नहीं है। आजकल के यंगस्टर्स, आजकल के युवक युवतियां फास्ट युग में लगे हुए हैं, सभी को शॉर्टकट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, उनको जो चाहिए इंस्टेंट चाहिए। और इंस्टेंट के चक्कर में ऐसा दिमाग खराब होता है, ऐसा जीवन खराब होता है, ऐसे उल्टे मार्ग पे पटरी पे गाड़ी चढ़ जाती है कि हम सोच नहीं सकते। शॉर्टकट पकड़ते हैं, या तो शेयर बाजार का रास्ता पकड़ लेते हैं, या तो कोई सट्टे का रास्ता पकड़ लेते हैं, रातों रात करोड़पति बनना है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बराबर समझ लेना सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता तो स्लो एंड स्टेडी मिले वही सही है, धीरे धीरे जाए, धीरे धीरे प्राप्त हो वही सही है, शॉर्टकट में बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझ लेना। आज भारत में हजारों युवा बर्बाद हो रहे हैं शॉर्टकट के चक्कर में। अब किसी भी युवा को पूछो, 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, किसी ने 99% युवक आपको ऐसे मिलेंगे, शेयर बाजार में 2-5-10 लाख का नुकसान किया होगा, सट्टे में 25-50 हजार लाख रुपए का नुकसान किया होगा, सभी से हार के थक के ही आए हो, सभी को आदत है। मोबाइल पे कभी ना कभी आप देखो तो उनका वही चालू रहता है, शेयर बाजार में लगे रहते हैं, सट्टे में लगे रहते हैं, क्रिकेट मैच में लगे रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ समझना, भारत के हजारों युवा ये सोच सोच करके कि हम शॉर्टकट रातों रात करोड़पति बन जाए उसमें बर्बाद हो गए। हमारे पास्टर से कितने किस्से आते हैं,
ऐसा चांस था कि एक दिन में जीवन बदल जाए, और उसी लिए पैसे लगा दिए, न विश्वास देखा, न कौन आदमी है, कैसा आदमी है, किस तरह से, कुछ देखा नहीं, और पैसे लगा लिए और बात हो गई खत्म। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझ लेना, आपके बेटे बेटियों को सिखाना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, स्लो एंड स्टेडी जाना पड़ता है। जिस जिसने शॉर्टकट मारने की कोशिश की वो जीवन में बर्बाद हुए। और एक बार हमारे यहां शास्त्रों में बड़ा अच्छा सूत्र है, लाहा लोहो पवड्ढे, कहा थोड़ा सा भी लाभ होता है ना तो आदमी का लोभ बढ़ने लगता। पहली बार में थोड़ा सा लाभ हुआ, छोटा सा लाभ हुआ, आदमी का लोभ बढ़ने लगता है, और जितना लोभ बढ़ता जाता है, जितनी लोभ की भावना प्रबल होती जाती है, उतना आदमी और खेलता है और जीवन को बर्बाद कर देता है, सुसाइड करने का अवसर बन जाए, ऐसे जीवन बन जाते हैं। हजारों युवा ये मार्ग पर चलते हुए बर्बाद हुए। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझ लेना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यहां तो स्लो एंड स्टेडी ही जाना पड़ता है। तीन आई को जीवन से निकालना, सबसे पहले नंबर में, दूसरे नंबर में इंस्टेंट, और तीसरा आई कहता है कि इश्यूज हमें छोटी छोटी बात पे इश्यूज होते हैं। हमारी आदत है कि छोटी छोटी बात के ऊपर कहीं ना कहीं विरोध खड़ा करना। सब सही चल रहा हो, सब बराबर चल रहा हो, फिर भी हम इश्यूज खड़े करते हैं। कई लोगों का स्वभाव होता है, नेचर होता है इश्यूज बनाने का। हिंदी में कहावत है, बात का बतंगड़ करना। गुजराती माँ कहवाए के पेट चोड़ी ने पीड़ा वो भी कर दी। कई लोगों की आदत होती है, छोटी बात को खींच इतना बड़ा इश्यू बना देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि बात की कुछ हकीकत नहीं है, बात में कुछ माल नहीं है, बात में कुछ लेने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका इश्यूज बना देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में ये तय कर लेना कि हम इश्यू बनाने वाले नहीं, समाज में, संघ में, आपके आस पड़ोस में, हर जगह आपको दो चार लोग ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे लोगों का आपसे पाला पड़ेगा, ऐसे लोगों का आपको अनुभव होगा कि जो इश्यूज बनाने में लगे हुए, कहीं ना कहीं इश्यू बना लेते हैं। छोटी सी चीज हो, उसका कोई मायने ना रखता, उसका कोई मतलब ना, उसका कोई अर्थ ना निकलता, लेकिन फिर भी उसका भी इश्यू बना लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझना, हो सके तो किसी के सहायक बनना, विरोधक मत बनना। हो सके आपके पास ताकत हो, विरोध करना बड़ा आसान है, सहायता करनी बड़ी कठिन है। विरोध करना बड़ा आसान है, कोई भी चीज आपके सामने आई, आपने दो शब्द बोल दिया, ये सही नहीं है, बराबर नहीं है, विरोध करना बड़ा आसान है, सहायता करना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में हो सके तो किसी के सहायक जरूर बनना, लेकिन विरोधक कभी मत। लाइफ को इनक्रेडिबल बनाना है तो तीन आई को जीवन से डिलीट करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर में, सभी साथ में मिलकर, पहले नंबर में, दूसरे नंबर में इंस्टेंट, एंड तीसरे नंबर में इश्यूज। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।